हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का ओवली प्रेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक आप लोग जानते भी होंगे लेकिन इसके शब्दों से नहीं परिचित होंगे। इसको इकोनॉमिक में एक टर्मोलॉजी दिया जाता है और ये टर्मोलॉजी गिग इकोनॉमी। आज किसी भी विश्व की जितनी भी देश की अर्थव्यवस्थाएँ हैं, सभी देशों में गिग इकोनॉमी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर इंडियन 21वीं शताब्दी की देन है गिग इकोनॉमी। अगर हम 21 सेंचुरी की बात करें तो गिग इकोनॉमी का क्षेत्र विश्व के जितनी भी देश हैं, हर देशों में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आज हम आपको बताते हैं गिग इकोनॉमी क्या है। गिग अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसको इंग्लिश में गिग इकोनॉमी, ठीक है। ये गिग जो शब्द है, ये गिग शब्द पहले जो सिंगर गाना गाते थे, जो प्रदर्शन करते थे, उनके बदले जो उनको पुरस्कार मिलता है, ये कहा जाता था कि जो प्रदर्शन करते हैं 1-2 घंटा, उनको जो वेतन दिया जाता है वो किसी काम के बदले नहीं दिया, उनको प्रदर्शन करने, उसी से लिया गया है गिग। गिग वहीं से आया। इसका मतलब होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब का नाम सुने होंगे, ये अस्थाई नौकरी के अलावा पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। इसके गिग इकोनॉमिक बताने से पहले इसके हम इतिहास चलते हैं। गिग इकोनॉमिक्स का प्रचलन कैसे बढ़ा, अगर हम 1950 की बात करें तो 1950 में कोई भी लोग थे, अगर उनको नौकरी करनी थी, अगर उनको नौकरी करना है तो पहले ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी जॉब करते थे, सरकारी जॉब करने के बाद 60 या 62 साल रिटायर होते थे, बाद में पीएफ मिलता था, पेंशन मिलता था, तमाम ये प्रोसेस है। धीरे धीरे 1999 की स्थिति आई। 1999 में MNC मल्टीनेशनल कंपनियों में लोगों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया, लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में ज़्यादा जाने लगे, ये प्रचलन बढ़ता जा। धीरे धीरे अगर हम 21वीं सदी की बात करें 2000 में गिग इकोनॉमिक आने लगा। गिग इकोनॉमिक का दूसरा क्या है, मौज मस्ती अर्थव्यवस्था, जो मनमौजी होता है, मौज मस्ती या मनमौजी अर्थव्यवस्था। आपको 2 घंटा जॉब करना है, इसके बाद आपको कोई भी काम करना है आप चले जाइए, जितने भी पार्टनर, आज फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जोमेटो हो गया, सब आपके क्या है, गिग इकोनॉमिक के पार्ट है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो सब गिग इकोनॉमिक के पार्ट है। छोटे छोटे अगर आपको अस्थायी जॉब करना है जहाँ आपकी सैलरी फिक्स ना हो, ठीक है, आपका सैलरी फिक्स ना हो, ना आपका टाइम फिक्स हो, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमिक। आपको मान लीजिए, आपके एक उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं 1 महीने के लिए आप किसी व्यक्ति को एफर्ट नहीं कर सकते, 1 महीने के लिए आप पैसा उसको अपने यहाँ नहीं रख सकते। मान लीजिए आपने एक कार खरीदा और उस कार को चलाने के लिए मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म जाना है, आप चाहते हैं कि मैं एक व्यक्ति को रखूँ, जो ड्राइवर रखूँ, वो लंबे समय तक हमारे पास रहे, जब चाहे उसको चाहे जहाँ लिवा कर चलें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन गिग इकोनॉमिक्स की देन है, गिग इकोनॉमिक्स देन है, तो आप 1-2 दिन की जब भी आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, लंबे समय के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो आप एक दो दिन के लिए उन्हें हायर कर लीजिए, आप 1-2 दिन का उनका पैसा फिक्स कर लीजिए और उनको भी सहूलियत होगी, 1 महीने आने से बच जाएंगे। 1-2 दिन के बदले जो आप पैसा देते हैं वही आपका क्या है, गिग इकोनॉमिक के पार्ट है। आज विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं, खासकर यूरोपीय कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस और उत्तरी अमेरिका, यूएसए में गिग इकोनॉमिक्स का प्रचलन बढ़ता जाता है। यूएसए में तो 31%, अगर यूएसए की बात करें तो 31% लोग गिग इकोनॉमिक्स के पार्ट बने हुए हैं। गिग इकोनॉमिक्स का अगर आप दायरा देखें तो बहुत बड़ा पार्ट है। आज अगर किसी से पूछा जाए तो गिग इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था की देन हो गई है। गिग इकोनॉमिक्स में हम विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि अगर भारत की बात करें 56-57% गिग इकोनॉमिक की देन है, क्योंकि आज, लेकिन आपको गिग इकोनॉमिक बताने से पहले एक अंतर बताएं, विकसित देश और विकासशील देशों के गिग इकोनॉमिक अंतर हैं। विकसित देश को गिग इकोनॉमिक में जो लोग काम करना चाहते हैं वो कम समय के लिए काम करते हैं, अर्थात उनकी मजबूरी नहीं होती, वो स्वेच्छा से करते हैं। गिग इकोनॉमिक जो पार्ट होते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं, लेकिन विकासशील देशों में गिग इकोनॉमिक एक मजबूरी बन चुकी है, सभी को पैसा चाहिए। आज इंडिया में आप देख रहे हैं बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है
कि लोग अपना पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा रहे हैं, खासकर स्टूडेंटों में। दिल्ली और इलाहाबाद में लोग रहने वाले लोग को देख रहे हैं, यहाँ घर से पैसा 2-3 साल तो घर वाले पैसा देते हैं, लेकिन 4th-5th साल पैसा देना बंद करते हैं। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब किसी कंपनियों में करते हैं, कोई इंस्टाग्राम कोई ऐप विकसित कर लिया, कोई जोमेटो लग गया, या किसी भी रीजन में 2-4 घंटा करके अपनी अर्थव्यवस्था से अर्निंग करके कुछ पैसा करके अपने पढ़ाई जारी कर सके। ठीक है, ये क्या है, सब गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं। बेरोजगारी विकासशील, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, विकसित देश और विकासशील देशों में गिग इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम यूरोपीय कंट्री की बात करें, यूरोप में जितनी भी कंट्रियाँ हैं वहाँ गिग इकोनॉमिक बहुत बढ़ता जा रहा है। गिग इकोनॉमिक एक बहुत बड़े अर्थव्यवस्था की देन है। 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी अगर अर्थव्यवस्था माना जाए तो गिग इकोनॉमिक है। ठीक है, हम आपको बताएंगे गिग इकोनॉमिक्स के फायदे हैं और क्या नुकसान है और इसके आगने वाली राह क्या है। ठीक है, देखिए गिग इकोनॉमिक्स के फायदे, ठीक है, इसमें देखें आप गिग इकोनॉमिक में मन मुताबिक काम करने की आज़ादी है। गिग इकोनॉमिक में मन मुताबिक काम करने की आज़ादी, मन मुताबिक काम करने की आज़ादी। ठीक है, गिग इकोनॉमिक्स का पहला फायदा क्या है, मन मुताबिक काम करने की आज़ादी। आप मन मुताबिक जो भी चाहें आप काम कर सकते हैं, आपका किसी के ऊपर बर्डन नहीं, आपको आज़ादी है कि आप काम कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आप घर बैठे काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है, आप घर बैठकर काम घर बैठकर काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है, घर बैठकर काम कर सकते हैं, इससे आपका क्या है, आपका आने जाने का खर्च भी बचेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ये अस्थाई नौकरी नहीं होती है। तीसरा क्या है, ये पार्ट टाइम अर्थात कुछ समय के लिए होता है, अर्थात कम समय के लिए कार्य करना। तीसरा फायदा क्या है, कम समय के लिए कार्य करना। कंपनी के नियमों की तमाम जो बंदिशें थे उस बंदिशों से आप आज़ादी होंगे। ठीक है, चौथा क्या है, कंपनी के नियमों के बंदिशों से मुक्ति। ठीक है, कंपनी के नियमों के बंदिशों से मुक्ति। तीसरा फायदा क्या है गिग इकोनॉमी, कंपनी के नियमों के बंदिशों से मुक्ति, कि आपको 2 घंटे आना, 1 घंटा पहले पहुंचना, आपको 8 घंटा जाए, ये काम करना नहीं, जब तक आपका मन कहे तब तक काम करिए, आप इसके बाद चले जाइए। ठीक है, यही गिग इकोनॉमी के फायदा है। चौथा फायदा क्या है इसमें, चौथा फायदा क्या है, काम करने के बहुत सारे क्षेत्र एवं विकल्प मौजूद होते हैं। काम करने के बहुत से सारे क्षेत्र एवं विकल्प मौजूद होते हैं काम करने के बहुत से सारे क्षेत्र एवं विकल्प मौजूद होते हैं। ठीक है, आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इसको छोड़कर आप दूसरे क्षेत्र में कर, जैसे आप एग्जाम आप ओला को देख रहे हैं, आप ओला में काम करना चाहते हैं, 2-4 घंटे आप ड्राइव करिए, वहाँ से आप पैसा ले लिए, आप और काम करना तो आप जोमेटो में चले जाइए। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा प्रचलन ये होम डिलीवरी खाने के लिए आपका स्विगी आया है, जोमेटो है, तमाम ऐप हैं, आप इनको मतलब जितने भी तमाम हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे व्हाट्सएप, आप किसी से छोटे छोटे आप 2 या 3 घंटे में जो अर्निंग करते हैं, आप देखिए तमाम ऐप अप्लीकेबल हैं, उस ऐप के सहारे भी आपको पैसा मिलता रहता है। ठीक है, आप 2 या 4 घंटे काम करने के बाद जो आपको अर्निंग होती है सब गिग इकोनॉमिक में, सब इसके मतलब काम करने के सारे आज़ादे हैं, आपके बहुत सारे क्षेत्र मौजूद हैं। ठीक है, आप 2 घंटा यहाँ काम करिए, 2 घंटा वहाँ करिए, जहाँ आपको जैसे अर्निंग मिलती हो। ठीक है, आप गिग इकोनॉमिक में इसी तरह फायदे। ठीक है, और एक साथ नेक्स्ट फायदा क्या है, एक साथ कई क्षेत्रों में काम करने का फायदा होता है, आप एक साथ कई क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट फायदा क्या है, आप लोग एक साथ कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फायदे हुए। पहला फायदा हुआ मन मुताबिक काम करने की आज़ादी, दूसरा घर बैठे काम कर सकते हैं, तीसरा कम समय के लिए कार्य करना, आपको ज़्यादा समय भी देना और ज़्यादा अर्निंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट, कंपनी के नियमों के बंदिशों से मुक्ति, आप कंपनी के जो
सरकारी जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ आपका नियम एवं रिलेशन होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन गिग इकोनॉमी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसका मतलब आप अपने मर्जी के मालिक खुद होते हैं, आप ही बॉस होते हैं, आप ही डायरेक्टर होते हैं, आप ही सब कुछ होते हैं, आप ऊपर किसी की बंदिशें नहीं है, आप ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काम करने के बहुत से सारे क्षेत्र एवं विकल्प मौजूद होते हैं, आप किसी क्षेत्र में जाइए अपना काम करना शुरू करें, ये सब चीज़ें हैं। और एक साथ कई क्षेत्रों में काम करके अपनी आमदनी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये आपके फायदे हो गए। अब हम आपको बताएंगे गिग इकोनॉमी से कुछ नुकसान भी होते हैं, ऐसा तो नहीं कोई भी चीज़ आती है उससे फायदे ही होते हैं, फायदा और नुकसान दोनों छुपे होते हैं, तो गिग इकोनॉमी से कुछ नुकसान भी होते हैं, आओ उसको हम देख लेते हैं। गिग अर्थव्यवस्था के नुकसान में लंबे समय तक बेरोजगारी के खतरा, लंबे समय तक बेरोजगारी का खतरा, गिग अर्थव्यवस्था का पहला नुकसान क्या है, लंबे समय तक बेरोजगारी का खतरा। आप लंबे समय तक बेरोजगार रह सकते हो, सकता है आपको शॉर्ट टाइम जॉब ना मिले, पार्ट टाइम जॉब ना मिले, आप स्थायी नौकरी करना नहीं चाहते और आपको पार्ट टाइम जॉब ना मिला, इसमें क्या होता है, लंबे समय तक बेरोजगारी का खतरा होता है। दूसरा, और इसमें दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या, निश्चित आमदनी नहीं, इसमें कोई निश्चित फिक्स सैलरी नहीं होती, आज आपको 2 रुपये मिला कल हो सकता है आपको पैसा ही ना मिले, हो सकता है एक दिन आपको 1,000 मिले तो हो सकता है एक दिन आपको 2 रुपये मिले, अर्थात इसमें क्या आपकी फिक्स सैलरी नहीं है। तो दूसरा क्या, निश्चित आमदनी नहीं। दूसरा नुकसान क्या है, इसमें आपको निश्चित आमदनी नहीं होगी। और तीसरा नुकसान क्या है इसमें, अकुशल श्रमिकों के लिए, जो कुशल नहीं है, ठीक है, अर्थात जो दक्ष नहीं है, अकुशल श्रमिकों के लिए अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर कम होते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो आप इन सब क्षेत्रों में नहीं काम कर सकते, ठीक है। आपको कोई ऐप डेवलप करना, डेवलप करके उसमें पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे अर्निंग करा जाता है, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी, तमाम प्रोसेसें हैं, अगर इन प्रोसेसों के बारे में जानकार नहीं है तो आप इन सब क्षेत्रों में नहीं काम कर सकते, अर्थात जो अकुशल होते हैं, अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर कम होते हैं, इसमें वही लोग फायदा उठाते, वही लोग काम कर सकते हैं जो टैलेंट होते हैं, जिनके अंदर अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस, जिनके अंदर ज़्यादा टैलेंट होया, ज़्यादा अनुभव, उनको ज़्यादा फायदा मिलता है इन सब क्षेत्रों में, अर्थात अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका नुकसान क्या है, सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट नुकसान क्या है आपका, सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़, ये आपके गिग इकोनॉमिक के नुकसान। पहला देखिए, लंबे समय तक बेरोजगारी की खतरा, अगर गिग इकोनॉमिक को आप जान रहे थे, इसमें नुकसान क्या है आपका, लंबे समय तक बेरोजगारी रहने का खतरा। और दूसरा क्या, निश्चित आमदनी नहीं थी, इसमें कोई आपको फिक्स सैलरी नहीं होती है। नेक्स्ट, अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर कम, इसमें टैलेंट लोगों, जो टैलेंट है वही काम कर सकते हैं, जिनके अंदर टैलेंट, अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं, वो इसमें काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ता जाता है, इसमें सोशल और इकोनॉमिक का जो गैप है वो बढ़ता जाता है, वो गैप कम नहीं होता। तो गिग इकोनॉमिक्स के यही नुकसान है, ठीक है। और गिग इकोनॉमिक्स के लिए राह क्या है, आगे आप देखेंगे आने वाले समय में, अभी 2019 चल रहा है, आने वाले समय में गिग इकोनॉमिक्स का दायरा बढ़ेगा, आने वाले समय में गिग इकोनॉमिक का दायरा बढ़ेगा। भारत को अगर गिग इकोनॉमिक क्षेत्र में बढ़ाना है तो इनके श्रमिकों को कुशल होना पड़ेगा, अर्थात उन्हें दक्ष होना पड़ेगा। अगर भारत को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करना है तो इनमें जितने भी श्रमिक हैं उनको क्या होना पड़ेगा, कुशल होना पड़ेगा, तभी गिग इकोनॉमिक्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका गिग इकोनॉमिक होगा। गिग इकोनॉमिक का मतलब है कि मौज मस्ती, अर्थात मन मौजी, आप जब चाहें छोटा बड़ा काम आप कर सकते हैं, अर्थात ये कोई अस्थायी नौकरी नहीं होती, आपको 2 घंटा काम करना कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आप एक टाइम पार्ट टाइम जॉब ही गिग इकोनॉमिक का हिस्सा है,
ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग को गिग इकोनॉमी के बारे में बताए हैं, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो कल देखते हैं, कोई अच्छा टॉपिक होगा उस पर बताएंगे, ठीक है। और जल्द ही आप लोगों की जीएस की रेगुलर क्लासे, हम आप लोग का इंतजार करें। यूपी ट्रिपल एसएससी लोअर पीसीएस का सिलेबस लाने वाला है, जिस दिन सिलेबस आ जाएगा उस दिन से हम लोअर पीसीएस टारगेट करके पूरा जीएस का पार्ट, इकोनॉमिक पॉलिटी हिस्ट्री जितने भी जीएस के पार्ट हैं पूरा आपको टू दी फैक्ट पूरा एग्जाम पर्पस पढ़ाएंगे। और मेरी गारंटी है आपको 50 में तो 40 प्लस आपको करेंगे ही करेंगे। आप ओबली प्रिपरेशन से जुड़े रहिए, हम आपको ओबली प्रिपरेशन पर विश्वास दिलाते हैं। आप अगर इस पर विश्वास जताएंगे तो ओबली प्रिपरेशन आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम आपको पूरे जीएस के पार्ट को इतने सरल शब्दों में इतने अच्छे समझाएंगे, आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे क्या आता है, पूरा डिस्क्रिप्शन करके आप पूरा 50 से अगर जीएस आ रहे हैं तो 40 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है। और हिंदी भी आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस आज यहीं तक, ठीक है, ठीक है, थैंक्स।